हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डिटरमाइनर सिखाऊंगी और केवल उतने ही रूल्स में आपको बताऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। पूरा डिटरमाइनर्स कितने टाइप के हैं, डेफिनेशन लर्न करना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आपके डिटरमाइनर से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको वो 6 रूल्स बताने वाली हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं और इतना आपको परफेक्ट बना दूंगी कि आपको साथ साथ में बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगी। तो सबसे पहले डिटरमाइनर क्या होता है? कोई भी नाउन है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक, हमेशा डिटरमाइनर इसके आगे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक, तो दिस आपका डिटरमाइनर है। मैंने बोला माय बुक, तो माय क्या है, आप यहां पे डिटरमाइनर हो जाएगा। दिस पेन, दिस क्या है, डिटरमाइनर है, क्योंकि पेन के आगे यूज हुआ है। आप डिटरमाइनर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पजेसिव, क्वांटिफायर्स, ये सब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये सब तुम्हें पीपीटी नीचे मिल जाएगी, तुम जाके देख सकते हो टाइप्स कौन कौन से होते हैं डिटरमाइनर्स के। मुझे तुम्हें ये बताना है कि डिटरमाइनर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जहां से क्वेश्चन आता है, वो होता है फ्यू और लिटिल। पहले तो तुम्हें फ्यू और लिटिल में मैं डिफरेंस बताती हूँ। देखो, आई हैव अ फ्यू पेन्स, इसको मैं काउंट कर सकती हूँ। फ्यू हमेशा उसके साथ यूज होता है जो काउंटेबल होता है, मतलब काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज। मैंने बोला आई हैव अ लिटिल वाटर, वाटर मैं काउंट नहीं कर सकती कितना पानी है, एक पानी दो पानी, आई कैन नॉट काउंट, दैट इज वाई मैं लिटिल यूज करूंगी। तो बस इतना याद करना है कि फ्यू हमेशा काउंटेबल्स के साथ यूज होगा और लिटिल हमेशा नॉन काउंटेबल्स के साथ यूज होगा। अब यहाँ पे एक बेसिक सी चीज आती है कि फिर ठीक है, आप हमें दीदी ये बता दो, अ फ्यू और फ्यू, अ लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, दोबारा से मैं बताती हूँ। अगर तुम ये इमेज देखोगे तो तुम्हें दिखेगा जहां पे भी अ फ्यू और अ लिटिल यूज हुआ है, ये इमोजीज मैंने स्माइली यूज करे हैं, मतलब हैप्पी केस, मतलब इनफ क्वांटिटी को ये बताता है। लेकिन जहां जहां पे फ्यू और लिटिल यूज हुआ है, तो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, स्पीकर इज नॉट हैप्पी बिकॉज देयर इज नॉट इनफ। तो समझो जहां पे केवल फ्यू और लिटिल है, मतलब वो सैड सिचुएशन है, वो इनफ क्वांटिटी को नहीं बताता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे से पूछा डू यू हैव पेन, तो मैं बोलूंगी यस आई हैव अ फ्यू पेन, मुझे लगता है इनफ है कि मैं किसी को दे सकती हूं। बट आई हैव फ्यू पेन्स का मतलब क्या है, मेरे पास कम है, इनफ नहीं है, नॉट इनफ, ठीक है। सेम पानी के साथ है, अभी अगर तुम देखोगे तो तुम देखोगे आई हैव अ लिटिल वाटर, इतना पानी है कि मैं इस सिचुएशन में किसी के साथ इसको शेयर कर सकती हूँ, या ये इनफ क्वांटिटी है। अब अगर देखोगे तो मैं बोलूंगी आई हैव लिटिल वाटर, नॉट इनफ। ये समझ आया, इतनी सी बस डिफरेंस होता है अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल और लिटिल में। अब मैं तुम्हें कुछ एक्सरसाइजेस कराती हूँ जो बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जॉन हैड डैश फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, आपके पास बोला या तो अ फ्यू से भरो या अ लिटिल, आपको इस ब्लैंक्स में फिल करना है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होता है, ये देखना कि जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फ्रेंड्स काउंटेबल है, तो कायदे की क्या बात है, अ फ्यू यूज होगा। तो आपने डायरेक्टली ये लिख दिया यहाँ पे जॉन हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। सेकंड है कुड यू स्पेयर डैश वाटर फॉर मी, अब वाटर की बात हो रही है, अभी मैंने बताया वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो क्या होगा, लिटिल यूज होगा। तो आपने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, डू यू हैव अ लिटिल वाटर फॉर मी। बाकी के बचे हुए आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाने हैं, जब सारे बच्चे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा करेक्ट है। अब दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें आपको लिटिल और फ्यू भरना है, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन करती हूँ, फर्स्ट मैंने आपके लिए लीव कर दिया। देयर वर डैश अटेंडीज एट द कॉन्फ्रेंस, अटेंडीज क्या है, अटेंड करने वाले, यू कैन काउंट देम, नंबर है, काउंटेबल है, आप लिख सकते हो देयर वर फ्यू अटेंडीज एट द कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट देखो आई पजेस डैश नॉलेज अबाउट प्रोग्रामिंग, पजेस नॉलेज, अब नॉलेज को काउंट तो नहीं कर सकते हो ना, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल है, तो आई पजेस लिटिल नॉलेज, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जस्ट दैट आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते हो, आप समझ के नहीं करते हो, इसलिए आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। जो भी बच्चे इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं उनको फर्स्ट डे से बता रही हूँ, आप मेरी ये बेस्ट सेलिंग बुक्स खरीद सकते हो, इसमें सारे के सारे 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिए हैं। इंग्लिश में 80% पेपर आपका बेटा रिपीटेड होता है, तो आपको इधर उधर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट चीज है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, तुम जाके एक बार रिव्यूज चेक करो, सीधे सीधे क्वेश्चंस इस बुक से पेपर में आए हैं,
तो बस एक ही चीज पढ़ो 10 जगह से, तुम्हें 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर। ये हर एक क्वेश्चन मैंने यही बुक से ही बनाए हैं, तो तुम ये सारे बुक्स ले सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा एंड डेफिनेटली तुम्हारे एग्जाम में ये चीज हेल्प करेगी। तो सबसे पहले डिटरमाइनर का जो क्वेश्चन होता है वो आर्टिकल से आता है। आर्टिकल्स में तीन होते हैं, ए एंड द। सबसे पहले तो अ आर्टिकल कहाँ लगेगा, बहुत सिंपल है, जहाँ पे तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स होंगे, जैसे कि एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, इन सब के आगे तुम्हारा अ लगता है। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डी, ये सारे के सारे तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे एन का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, ये हर साल एक क्वेश्चन पेपर में आता है जब बच्चा कन्फ्यूज होता है। बच्चा क्या करता है, एन को कहाँ यूज करता है, ए ई आई ओ यू के आगे। वो जहाँ पे ये देखता है लिखा हुआ किसी भी वर्ड में जिसका स्पेलिंग ए से शुरू होता है, ई से, आई से, ओ से, यू से, वो बस जाके लगा के आ जाता है। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि हमेशा एन साउंड के आगे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका स्पेलिंग है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट बेटा शुरू किससे होता है, एच से, लेकिन साउंड क्या है, ओ का साउंड है, यानी ओ वावल का साउंड आता है, ए ई आई ओ, तो ऑनेस्ट। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एन यूज करते हैं। तो कभी भी कोई वर्ड है उसको ऑन द बेसिस ऑफ साउंड जज करके आपको एन यूज करना है, ना कि स्पेलिंग देख करके। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि स्पेलिंग में आगे कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसकी साउंड कैसी आती हो, वावल की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बात करते हैं द की, तो बहुत सिंपल सी बात है, जो बहुत चीज़ें यूनिक है, द ताजमहल, द अर्थ, द आगरा, द सिटी, समझ आया आपको, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताती हूँ, उससे पहले आप फटाफट से मुझे ये सॉल्व करके बताओ। देखो ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डू यू ड्राइव ऑन डैश राइट और ऑन डैश लेफ्ट इन द यूएसए। आपके पास चार ऑप्शंस है, डू यू ड्राइव ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। क्या राइट और लेफ्ट इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इट इज स्पेसिफिक, या डू यू ड्राइव ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। अब जो एक नेक्स्ट रूल है वो है सम और एनी के बीच में डिफरेंस, जो बोर्ड एग्जाम्स में आता है। दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, सम हमेशा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। जैसे तुम ये समझ लो कि अ लिटिल और अ फ्यू का ही बड़ा भाई है सम, यानी कि जहां जहां पे पॉजिटिव चीजें दिखानी है वहां पे तुम सम यूज करोगे। और एनी या तो तुम नेगेटिव सेंस में यूज करते हो या क्वेश्चन फॉर्म में यूज करते हो। आ गया समझ में? अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स के थ्रू तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने बोला इज देयर डैश बुक ऑन द शेल्फ, अब ऑफकोर्स ये बात है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इज देयर एनी बुक ऑन द टेबल, देयर आर नॉट डैश चिल्ड्रन इन द स्कूल यार्ड। अभी मैंने बताया नेगेटिव सेंस है, तो सम तो किसी भी दूर दूर तक नहीं यूज हो सकता, अगेन आप इसको एनी यूज करोगे। सम आपका एक और जगह पे यूज होता है रिक्वेस्ट या ऑफर्स करने के लिए, वुड यू लाइक सम टी, वुड यू लाइक सम कॉफी, तो ऐसे सिनेरियोज में भी आप सम यूज कर सकते हो। बाकी तुम्हें फिल करना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे देना। अगला डिफरेंस होता है मच और मैनी। दोबारा से मच और मैनी का सिंपल सा रूल है, तुम्हें समझना पड़ेगा। मच इज समथिंग यू कैन नॉट काउंट, मच मनी। मैनी इज समथिंग दैट यू कैन काउंट, इज ऑलवेज यूज विद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, फ्रेंड्स हो गया ये सब। अब एक और चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि मच जो है ना वो कभी भी, मच और मैनी दोनों ही पॉजिटिव सेंस में हम बहुत कम यूज करते हैं। जैसे हम मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, बट जब हमें इसका ही पॉजिटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखो कि मैनी मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में मैनी हमेशा तुम्हारे नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है, और सेम आपका केस होता है मच के साथ भी। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है आई डू नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है ही डजंट नीड मच मनी, तो मच अनकाउंटेबल्स के साथ, मैनी काउंटेबल्स के साथ। अब एक्सरसाइजेस करते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हें अब जितने मैंने रूल्स बताए वो सारे रूल्स को देख करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला है माई पर्स इज एम्प्टी, देयर आरंट डैश कॉइन्स इन इट। हमेशा याद रखो जब भी कोई भी केस आए एम्प्टी या जहाँ पे तुम्हें ये दिखाया जाए कि कुछ भी नहीं है, तो बिना सोचे समझे वहां पे तुम्हें एनी लगा देना है। मैंने तुम्हें बताया था एनी एक तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, दूसरा एनी हम तभी भी यूज करते हैं जब कुछ भी नहीं होता है। ये एक तरीके से तुम्हारा नो को भी सिग्निफाई करता है कि कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। तो यहाँ पे क्योंकि पर्स एम्प्टी है तो बिना सोचे समझे तुमने एनी लगा दिया। बाकी ये जो बचे हुए हैं आपको अगेन नीचे कमेंट सेक्शन में ये स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व करके मुझे लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका अगला एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से भी क्वेश्चन, दैट इज बोथ, ईदर एंड नीदर। अब बहुत सिंपल सी बात है, बोथ मतलब क्या,
जब यहां पे अगर तुम ये पिक्चर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा बोथ मतलब दोनों, ये भी और ये भी, कॉफी भी एंड टी भी, बोथ बोथ कॉफी एंड टी आर गुड फॉर यू. जब आप दोनों को ले रहे हो आप चॉइसेस नहीं बना रहे हो, यू नीड बोथ. आई लाइक बोथ द सब्जेक्ट्स, दोनों. ईदर मतलब चॉइस आ जाती है, या तो ये या तो ये. जैसे कि यहां पे एक पे टिक किया है एक पे क्रॉस किया है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा. ईदर आप कॉफी चूज करोगे या फिर आप टी चूज करोगे. सेम आता है नीदर, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं. ना तो आपको कॉफी चाहिए ना तो आपको टी चाहिए, इट मीन्स यू डू नॉट नीड एनी ऑफ द टू. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी बात है. डैश कार्स आर वेरी एक्सपेंसिव. अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, प्लूरल यूज हुआ है, यानी किसी दो चीज के ऊपर बात हो रही होगी तभी प्लूरल यूज हुआ है, तो सीधे आपने यहाँ पे क्या लगा लिया, बोथ. नेक्स्ट देखो, वुड डैश ऑफ यू लाइक टू कम आउट इन द कार. वुड डैश ऑफ यू चॉइस दे दी कि तुम में से कोई, तो क्या है, वुड ईदर, तुम दोनों में से कोई एक, चॉइस है ना, दोनों को नहीं पूछा है, तो बोला वुड ईदर ऑफ यू लाइक टू कम आउट इन द कार. ठीक है, बाकी के अगेन 4 to 8 आपको सॉल्व करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के. ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक लास्ट आपको बहुत बता देती हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता कुछ भी, जो क्वेश्चंस आए बस ईच और एवरी का एक डिफरेंस होता है जो हर एक बच्चा फेस करता है. इसको बेटा तुम ऐसे समझो, ईच मतलब अगर मैं किसी ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5-6 लोग खड़े हैं, तो ईच से मेरा मतलब है मैं हर एक के बारे में बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल ईच पर्सन गेव मी अ डिफरेंट आंसर. अगर 6 के 6 लोग हैं तो हर एक ने अलग अलग आंसर किया, इसको तुम ईच बोलोगे. एवरी का मतलब क्या है, तुमने उन 5-6 लोगों को एक ग्रुप समझ के उनसे बात किया, या एक ग्रुप समझ के तुम उन्हें एड्रेस कर रहे हो. इसको ऐसे समझो, थिंग्स सेपरेटली, ईच मतलब सेपरेटली और एवरी मतलब एक ग्रुप में. तो यार बस इतनी ही चीज़ें हैं डिटरमाइनर से, तो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं यही क्वेश्चंस हैं. इससे रिलेटेड कुछ चीट शीट्स हैं जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन पे डाल दी हैं, तुम ये सारी की सारी चीट शीट्स तुमको सॉल्व करके मुझे कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे तो मुझे भेज सकते हो, या उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो. बस इतना सा तुम्हें पढ़ना है, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ तुम्हारे लिए लेके आने वाली हूँ.